बटाला शहर नूं नवां जिला बनाउण दे रोश वजों अज गुरदासपुर विच बार एसोसीएशन अते व्यापार मंडल दे अहुदेदारां ने शहर विच रोश मार्च करके पंजाब सरकार दे खिलाफ रोश प्रदर्शन किया। इस मौके ते नगर कौंसल दे प्रधान एडवोकेट बलजीत सिंह पाड़ा भी इस रोश मार्च विच शामिल होए अते कहा कि जेकर पंजाब सरकार ने अपने इस फैसले नूं ना बदलिया तां आउण वाले समें विच उह वड्डा संघर्ष विढ़न लई मजबूर होणगे। इस संबंधी जानकारी देंदे बार एसोसीएशन के अहुदेदारा अते नगर कौंसल के प्रधान बलजीत सिंह पाड़ा ने कहा कि गुरदासपुर जिला एक इतिहासिक जिला है अते हुण साजिशां के तहत इस जिले के दो हिस्से करन दी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जेकर बटाला शहर नूं जिला बनाया जाता है तो वड्डे पद्धर ते गुरदासपुर शहर का विकास पक्की नुकसान होगा अते इह इतिहासिक जिला अणगोलिया जाएगा। इसलिए उन्होंने पंजाब सरकार तो मंग की है कि अपने इस फैसले को बदलिया जाए। अखबार सोशल मीडिया के गुरदासपुर दो टुकड़े कर जा रहे हैं। जो सोशल मीडिया से अफवाह चल रही अखबारों च भी आ रहा गुरदासपुर तो बटाले अलग जिला बना रहे हैं। उसके रोस वजो अज बार कौंसल सारे समूह जथेबंदियां अज इतें जरा एक रोस मुजहरा कर रहे हैं। सो असी अपनी सरकार पुरजो मंग करते हैं कि गुरदासपुर अगे ही बहुत छोटा अगे दो टुकड़े च कर दिता गया हुण इहनू जिहड़ा आपां एक इतिहासिक जिहड़ा गुरदासपुर जिला इहनू जिहड़ा बटाले नूं वक्खरा कर रहे गुरदासपुर नूं वक्खरा कर रहे आ उहदे उहनूं असीं जिहड़ी असीं नहीं होण देवांगे। असीं मंग करदे आ असीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब नूं कि इह जिहड़ा जो कीता जा रहा इहनूं रोक लाई जाए। असीं नहीं तां आउण वाले समें विच जिहड़ा जो भी साडे संघर्ष कमेटियां ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ